हेलो गाइस, सत श्री अकाल, केड़े हालो, केम छो। मैं आपका दोस्त होस्ट अभिषेक, मैं आपके लिए लेके आया लेटेस्ट वीडियो। आप सभी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, और कल जो कि 15 सितंबर को इथेरियम, जो कि बहुत ही बड़ी ब्लॉकचेन है, कम्युनिटी है, क्रिप्टो करेंसी में सेकेंड नंबर पर आती है क्रिप्टो करेंसी में। मैं आपको दिखाता हूँ कि कल 15 सितंबर को क्रिप्टो करेंसी में जो इथेरियम है मर्ज हो चुकी है, इथेरियम 2.2 लॉन्च हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि जो इथेरियम है जो 2.2 मर्ज होने के बाद क्या काम कर रही है, क्या पहले काम करती थी। मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि मर्ज क्या है। ये देखो, 15 सितंबर को ये मर्ज हो चुके हैं, इथेरियम 99% ऑफ कंज्यूमर सेक्शन। और ये देख सकते हैं आप, जो पहले इथेरियम वर्क कर रही थी वो प्रूफ ऑफ वर्क पे वह काम कर रही थी इथेरियम, और जो अब मर्ज होने के बाद ये काम कर रही है प्रूफ ऑफ स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये, आप जितना भी पैसा स्टॉक करोगे, आप जो भी पेमेंट करोगे, अब जितनी भी पेमेंट आप स्टॉक करोगे तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा स्टॉक करने पे भी, और जब आप विड्रॉ करोगे तब भी थोड़ा सा आपको स्टॉक करने पे चार्ज देना पड़ेगा, और फीस लगती है जो इथेरियम की, जो ट्रांजेक्शन फीस है। और इथेरियम में आप जो स्टॉक हैं वो कर सकते हैं। स्टॉक करने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ इथेरियम चाहिए होंगे 32। मैं आपको बता देता हूँ, आप स्टॉक करने के लिए आपको 32 इथेरियम्स रिक्वायर्ड होंगे, कि आप 32 आपके पास अगर इथेरियम्स हैं तो आप इथेरियम में स्टॉक कर सकते हैं। और स्टॉक करने पर आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला है इथेरियम की तरफ से। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चार्ट ये इथेरियम का, जो कि 24 आवर्स के अंडर कितना चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये अभी भी मर्ज होने के बावजूद भी अभी भी 9% ये डाउन चला गया है, और इसकी अभी भी US डॉलर में वॉल्यूम है 1400 के आसपास की वॉल्यूम चल रही है, और लगातार ये नीचे जा रहा है। और फिर मतलब सोचने की बात है, एक नॉर्मल सी बात है, इतना अच्छा मर्ज होने के बाद भी इतनी अच्छी कम्युनिटी भी मतलब डाउन जा रही है। तो आपसे पूछ सकते हैं मार्केट कितनी डाउन जा रही है, और जो कि 15 सितंबर को और 14 सितंबर को आपको पता ही है शेयर मार्केट में कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, और जो आपके एलोस मक्स हैं उन्होंने भी बिलियंस में अपना पैसा खोया है, और एक इनके फॉरनर्स हैं उन्होंने भी मतलब बिलियंस में पैसा खोया आज तक की क्रिप्टो हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा। 14 सितंबर को लॉस हुआ है सभी का, और आप देख सकते हैं कि इथेरियम की वैल्यू 20 मिलियंस के आसपास है, और अल्टरनेटिव 12 मिलियन के आसपास पहुँच चुकी है। टोटल 122 मिलियन हो चुकी है इसकी सप्लाई इथेरियम की, और ये सेकंड नंबर पर चल रहा है मार्केट में। और आप देख सकते हैं इथेरियम बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का नाम है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर्स के अंदर अंदर क्या कुछ रहा है इसमें, 1 आवर्स के बाद इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं। 1 आवर्स में 0.3 डाउन चला गया है, और ये थोड़ा सा 1471 पर थोड़ा सा पंप लिया है इसने, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पंप, कुछ ज़्यादा पंप नहीं लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी 1 आवर के बीच में क्या कुछ रहा है। 1 आवर में देख सकते हैं आप 0.3 का पंप हुआ है इसमें, और आप देख सकते हैं ऊपर जो है आपका बिटकॉइन है, जो मैं आपके बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बताऊँ तो बिटकॉइन भी कुछ ऐसा खासा नहीं चल रहा है। बिटकॉइन भी मतलब देखो 24 आवर्स में $19 लाख नीचे चला गया है, मतलब $19 लाख प्राइस हो चुका है इसका, 0.22 नीचे गिर चुका है। और आप देख सकते हैं 1 आवर में भी मतलब 0.22 ही नीचे गिरा हुआ है ये बिटकॉइन, बट फिर भी बिटकॉइन बना हुआ है, बर्निंग कर रहा है क्रिप्टो करेंसी सेल एन आवर्स, ठीक है। और मार्केट वैल्यू देख सकते हैं बिटकॉइन की 1.24 बिलियन हो चुकी है, और टोटल सप्लाई इसकी 90 बिलियन है, और ये रैंक 1 पर चल रहा है अभी भी बिटकॉइन। अच्छा खासा मतलब प्राइस इसका आने वाले टाइम में, अभी प्राइस जैसे लो चल रहा है, अब जैसे दिवाली आने वाली है तो ये ऑलमोस्ट 20 सितंबर को इनका CPT डेटा आने वाला है, तो उसके बाद ये थी बिटकॉइंस अपने रैली, अभी जितना डंप जा रहा है उससे ज़्यादा कहीं जा रहे हैं पंप जाने वाला है बिटकॉइंस। मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जो आपका एलियंसी कॉइन है, सभी बेसब्री से इंतज़ार करें एलियंसी कॉइन कब 1
कब 1 डॉलर पे जाएगा, कब जाएगा। आप देख सकते हैं एलियंसी कॉइन दोबारा से 32 रैंक पर आ चुका है और इसकी 1 मिलियंस बर्निंग हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ये कल कितना ज़्यादा डंप जा चुका था और आज इसमें अच्छी खासी रैली दिखी है और ये प्रॉफिट में आ चुका है, मतलब 2% ये प्रॉफिट में आ चुका है। और इसका यूएस डॉलर में 0.02876 इसका प्राइस हो चुका है। और आप देख सकते हैं एलयूएनसी जो बियांसे कंपनी के ओनर हैं, सीईओ हैं, उन्होंने जो एलयूएनसी का प्रपोजल है 1.2 बर्निंग का टैक्स का, वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और अब एलयूएनसी में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं जो कि यूज़ करता हूँ सन क्रिप्टो ऐप को, और सन क्रिप्टो ऐप पर आप देख सकते हैं क्या कुछ हाल चल रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट में कुछ 2-3 कॉइन्स हैं कुछ हरे भरे से, और वैसे तो मार्केट डाउन ही चल रही है अभी भी। देख सकते हैं बिटकॉइन भी डाउन चल रहा है 17 लाख के आसपास, और एथेरियम 12 लाख 1,26,000 के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हैं सभी कुछ, और मैं आपको अल्टरनेटिव कॉइन दिखाता हूँ जो कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। देखो अल्टरनेटिव कॉइन है जो मोनस्टा इन्फिनिटी है जो 52% पम्प हो चुका है। अब देख सकते हैं 16 सितंबर को 10 रुपये रेट इसका 12 रुपये, आप देख सकते हैं अभी जस्ट आपके सामने 13 रुपये इसका रेट हो चुका है और ये भी अच्छा खासा पंप कर रहा है। और आपका देखते हैं एलियंसी कुछ अच्छा खासा पंप कर रहा है कल से, कल इसका 22 के आसपास ये स्टेबल कर रहा था, कुछ स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, और आज इसमें अच्छी खासी रैली दिखी है। और आज ये मैक्सिमम हाई आपका देख सकते हैं 0.26 के आसपास गया है डॉलर के, और रैंक भी इसका अच्छा खासा हो चुका है, 33 रैंक हो चुका है। और आप देख सकते हैं 1 पॉइंट इसका इंक्रीज हुआ है एथेरियम, और आप देख सकते हैं एलयूएनसी कॉइन हुआ है। बट आपको जो लूना कॉइन है वो अभी भी मतलब डाउन चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ लूना कॉइन आपका, ये देखो लूना कॉइन अभी भी मतलब -6 चल रहा है और इसका रेट अभी भी 247-248 के आसपास चल रहा है। ये मतलब स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को लूना कॉइन, और आने वाले टाइम में आप इसको होल्ड करके रखो, मेरी माने तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने वाला है। और इसका रैंक 93 चल रहा है अभी भी, और इसकी अल्टरनेटिव सप्लाई इसकी 16 करोड़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं एलियंसी कॉइन आपको अभी सेल नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि बियांसे का जो सीए हैं, बियांसे कंपनी के जो सीए हैं, उन्होंने लूना कॉइन को 1.2 बर्निंग को एक्सेप्ट कर लिया, और जो इनके लूना कॉइन के सीईओ थे डूनोक उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उनका जो पासपोर्ट है उसको भी रिवोक कर लिया गया है। और अब अच्छी खासी रैली इसमें दिखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये इस 20 सितंबर को इनका प्रपोजल अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, जो भी इसमें क्वारीज है सारी क्वारीज हो रही है। देख सकते हैं अभी आपके सामने मैंने रिफ्रेश किया है और ये 2% इंक्रीज हो चुका है, और 0.25 एलिवेंसी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे चल रहा है और ये धीरे धीरे अच्छी खासी रैली दिख रही है, ग्रीन रैली दिख रही है आपको कुछ मार्केट में, और कुछ ज़्यादा ही मार्केट में से डंप दिख रही है। और आपके लिए एक अच्छी खासी न्यूज है शिबा इनू कॉइन वालों के लिए, क्योंकि जिन जिन ने मैंने भी शिबा इनू कॉइन होल्ड किया हुआ अच्छा खासा, मेरे पास भी 10 लाख के आसपास शिबा इनू कॉइन पड़े हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ शिबा इनू कॉइन वालों के लिए बहुत अच्छी खासी न्यूज है, क्योंकि जो आपके कंपनी है ये आपकी वूफ ऑफ कंपनी बियांसे कंपनी है, तो उन्होंने शिबा इनू कॉइन को लिस्ट सपोर्टेड टोकन ऑफ बियांसे कार्ड ऑफ इशू किया है। उन्होंने कार्ड इशू किया है, जैसे आप कोई भी जैसे एटीएम से विड्रॉ लेने जाते हैं पैसे निकालने जाते हैं तो आपको एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही शिबा इनू कॉइन का उन्होंने बियांसे कंपनी ने एक कार्ड निकाला है एटीएम के थ्रू, एटीएम जैसा, और उसमें 8% आपको कैशबैक मिलेगा, जिससे आप जो भी ट्रांजेक्शन आप शिबा इनू से करेंगे उसका आपको 8% का कैशबैक मिलेगा, और जीरो फीस है। सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें जीरो फीस लग रही है, और आपको एक अच्छी खासी मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जो शिबा इनू कॉइन है जो अक्टूबर के आसपास अक्टूबर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाने वाला है, पंप जाने वाला। आप देख सकते हैं द लार्जेस्ट एथेरियम व्हेल जस्ट स्पेंड 7 मिलियन बाइंग द शिबा इनू कॉइन, मतलब जो एथेरियम व्हेल्स हैं उन्होंने शिबा इनू कॉइन को, देखो आप देख सकते हैं व्हेल्स बाय द 5,136 बिलियन शिबा इनू कॉइन उन्होंने व्हेल्स ने परचेज कर लिए हैं। आप सोच सकते हैं कि शिबा इनू कितना ज़्यादा
आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम छोड़ो अभी अगर अक्टूबर में कितने ज़्यादा इसमें डिफरेंट और कितने ज़्यादा पंप आने वाला है, हार्ड पंप आने वाला है। और शिवानी कॉइन जितना हो सके आप होल्ड करके रखें। और मैं आपको दिखा देता हूँ आज शिवानी कॉइन का क्या रेट चल रहा है सन क्रिप्टो ऐप पर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने होल्ड की इसको सेव किया, जो मेन मेन से कॉइन है मैंने इनको सेव करके रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप शिवानी कॉइन अभी मतलब 0.010-14 के आसपास चल रहा है, रुपये के पास चल रहा है। और इसका मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं 55 करोड़ हो चुकी है, और कल्टीनेटिव तो आप देख ही सकते हैं बिलियंस में चल रही है। और ये बहुत ही जल्दी आपको पंप देखने को मिलेगा, और मैं आपको इसका मार्केट वैल्यू मार्केट कैप पे आपको दिखा देता हूँ, जो आपका एलियंसी कॉइन के साथ ये लूना कॉइन आपका अल्टरनेटिव कॉइन है, जो छोटा कॉइन है, यही कहने को ये छोटा कॉइन है, यही आप सभी को इतना अच्छा खासा बेनिफिट देके जाने वाला है। इसका रैंक देख सकते हैं 14 रैंक हो चुका है, और इसकी जो 1 घंटे की प्रोसेस है मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ है इसमें, इसमें देखो 0.61% का डाउन आया है। आप देख सकते हैं शिवाइनो का 0.011 पैसे डॉलर के आसपास रेट चल रहा है। और आप देख सकते हैं शिवाइनो कॉइन अभी थोड़ा डंप जा रहा है, बट इसके लिए बाय किया है वेल्स ने, 536 बिलियंस को बाय किया है शिवाइनो कॉइन्स को। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी शिवाइनो कॉइन आपको टॉप रैंक पर दिखता मिलेगा अक्टूबर के महीने में। और इसको आपको होल्ड करके रखना है अभी, जितना बाय कर सकते हो आपको, अगर बाय करना है शिवाइनो कॉइन बट अभी मत बाय करना, अगर ये थोड़ा सा 981 के आसपास आता है तब आप इसको बाय कर लेना, कुछ अच्छी खासी रकम बाय करके रख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आप क्योंकि आप इस कॉइन से आप अच्छा खासा कमा लेंगे, जो आपने मार्केट में गवाया है एलियंसी की वजह से। बढ़िया एलियंसी भी है आज के टाइम, आज इतना डम चल रहा है, पर ये 20 सितंबर के आसपास आपको अच्छी खासी रैली देखेगी। आज 16 सितंबर है, इनकी बर्निंग शुरू हो चुकी है, 6 घंटे के अंदर अंदर इनकी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी बर्निंग शुरू होते ही सर इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।